पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते खुल रहे सिनेमाघर, सुशांत सिंह राजपूत की दिखाई जाएंगी फिल्म। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी है। इस कड़ी में कोलकाता और आसपास के इलाकों में कई सिनेमाघर अगले हफ्ते से खुल जाएंगे। इन सिनेमाघरों की खासियत ये होगी कि वो अपने शो की शुरुआत दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों से करेंगे। इसका फैसला सिनेमाघरों के मालिकों ने मिलकर किया। जानकारी के मुताबिक शहर के कम से कम 14 से 15 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में सुशांत की फिल्म केदारनाथ दिखाई जाएगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी फिल्मों को फिर से रिलीज किया जाएगा, जिसमें सोनचिड़िया, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे भी शामिल है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसआर सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सतदीप साह ने बताया कि फेस्टिवल सीजन होने के कारण कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए हमने सुशांत सिंह की फिल्में दिखाने का फैसला किया है। सुशांत की बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्में फिर से दिखाई जाएंगी। आपको बता दें कि सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी शर्तों के आधार पर दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों के लिए नियमों की घोषणा की, जिसके तहत 50% क्षमता के तहत सिनेमा घर खोले जाएंगे। फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर 1 मिनट की एक फिल्म भी दिखानी होगी। हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना लक्षण वालों को ही एंट्री देनी होगी। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें दस्ताने, जूते, मास्क, पीपी किट मुहैया कराई जाएगी।